गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी टूडे आई एम हियर टू टीच यू ऑल द सब्जेक्ट आर्ट ओपन योर नर्सरी आर्ट विथ रिडल्स बुक पेज नंबर सेवेन्टीन पेज नंबर सेवेंटीन आप ओपन करेंगे नाम है बास्केटबॉल यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सी डब्ल्यू और लास्ट में डेट दी हुई है यहाँ पे लिखेंगे डेट ट्वेंटी वन वन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू यहाँ डेट के कॉलम में ट्वेंटी वन वन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू यहाँ पे एक बास्केट बॉल बनी हुई है आप लोग इसको कलर करेंगे ग्रीन कलर से ग्रीन क्रेोन कलर से जो यहां पे दिया है बना हुआ है आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपनी बुक में ये बास्केट बॉल को कलर करना है ठीक है बास्केट बॉल का शेप क्या है राउंड एंड राउंड अप आई गो इन द बास्केट एंड यू से स्कोर बास्केट बॉल खेलते समय लोग क्या करते हैं बॉल को थोड़ी ऊंचाई में बने बंधे हुए बास्केट में डालते हैं और जब आप कूद के उस बास्केट में बॉल डालते हैं तो वो स्कोर हो जाता है ठीक है तो ये राउंड यानी कि सर्कल शेप में होती है ठीक है तो बास्केट बॉल को आप कलर करेंगे ये आपका क्लास वर्क है होमवर्क के लिए आपको अपनी थिंक एंड कलर बुक ओपन करनी है पेज नंबर ट्वेंटी टू पेज नंबर ट्वेंटी टू ओपन करेंगे आप पेज नंबर ट्वेंटी टू पे फ्रॉग बना है ये आपका होमवर्क है इस पेज में आप लिखेंगे एच डब्ल्यू और डेट राइट करेंगे ट्वेंटी वन वन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू यहां पे दिए गए फ्रॉग को यानी कि मेढक को आपको कलर करना है कौन कौन से कलर का यूज करना है आपको येलो क्रेन कलर लाइट ग्रीन क्रेन कलर और डार्क ग्रीन। येलो कलर के क्रेन कलर से आप फ्रॉक का फेस कलर करोगे लाइट ग्रीन कलर से आप आईज का आउटर पार्ट हैंड्स और लेग्स को कलर करोगे और इसकी जो बॉडी है बॉडी को कलर करेंगे आप डार्क ग्रीन कलर से तो आपको थ्री कलर्स चाहिए येलो कलर लाइट ग्रीन कलर डार्क ग्रीन कलर ये तीनों कलर्स के यूज से आप इस फ्रॉग को कलर करोगे ये आपका होमवर्क है मिस्टर फ्रॉग जम्प्ड आउट ऑफ द पॉन्ड वन डे एंड फाउंड हिमसेल्फ़ इन द रेन सेड ही आई गेट वेट एंड आई माइट कैच अ कोल्ड सो ही जम्प्ट इन द पोंड अगेन देखो कितना मजाक वाली बात इसमें बोल रहा है ये पोयम कह रहा है कि जो फ्रॉक जो है वो पौंड से बाहर निकला यानी कि छोटा सा जहाँ पे पानी जमा हो रिवर नहीं नदी नहीं पॉन्ड जहाँ पे कम पानी हो वहाँ से फ्रॉग बाहर निकला तो बाहर बारिश हो रही थी वो कहता है अरे बाप रे मैं तो अगर बारिश में भीग जाऊँगा तो मुझे तो सर्दी हो जाएगी तो वो वापस पॉन्ड में कूद जाता है जो पानी में ही वो रहता है पानी में ही पानी से ही डर रहा है तो ये मजाक वाली पोएम थी जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी ये फ्रॉग आपको कलर करना है ये आपका होमवर्क है दैट्स ऑल फॉर द टू डेज क्लास Thank you very much.